गाइस हमारे चैनल में आपका स्वागत है। गाइस आपने थंबनेल तो देख लिया है, जो कि गाइस गर्मियों के दिन चल रहे हैं और गाइस सबके पास फ्रिज है। और गाइस फ्रिज का तो पानी आपको पता ही होगा कि कितना ख़राब होता है पीने के लिए हमारे शरीर के लिए। सो लोग पीते हैं और गाइस बीमारियां भी बहुत हैं। सो हम लेके आ गए हैं मटका, जो कि इसे छोटा वाला मटका कह सकते हैं। आपके पास बड़ा इससे छोटा है, उसे फर्क नहीं पड़ता। और हम देखेंगे इससे ठंडा पानी कैसे कर सकते हैं इसे अच्छे से। ऐसे इतनी गर्मी पड़ रही है और ये मटका का पानी ठंडा भी नहीं होता है। सो लोग फ्रिज का पानी पी रहे हैं, जिससे बीमारियां हो रही हैं। सो आज हम बताने वाले हैं आपको ठंडा पानी कैसे कह सकते हैं इस गगरी का। और ये हम लोग यहाँ गगरी बोलते हैं, आप छोटा मटका भी बोल सकते हैं इसे। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो उसके लिए हमने यहाँ पर एक छोटा मटका ले लिया है। और गाइस आपको यहाँ पर एक कपड़ा ले लेना है, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया है। आप बोरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम चलिए आगे बता रहे हैं आप क्या क्या करना है। इसे ले लाना है, पहले इसे धो लेना है, जो कि मार्केट से ले आते हैं। तो इसमें जिसमें ये राख होती है अंदर, तो आपको पहले इसे धो लेना है और इस राख को थोड़ा साफ कर लेना है, खंगाल लेना है। सो गाइस हम ले आए हैं छत पर है, और यहाँ पर हमने एक पानी से भरी एक गुंडी ले ली है और इसमें डालते हैं। पहले हमें खंगालना पड़ेगा। सो इसमें जो राख होती है, पहले हम उसे धो लेते हैं। सो गाइस हमने इसे दो तीन बार अच्छे से धोया, देख सकते हैं हमारा अच्छा धो गया है। और ये देख सकते हैं इसे बाहर से भी धो लेना है, थोड़ी हम धो लेते हैं। तो गाइस हमारा यहाँ पर धो गया है, रेडी हो चुका है। आपको भी ऐसे ही धो लेना है। और इसे हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, जो इसके ऊपर ये पानी है ना, तो थोड़ा इसमें सूख जाए। सो गाइस हमारे हमने थोड़ी देर तक रख दिया था, और यहाँ पर ये देख सकते हैं इसमें पानी था वो सूख गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं पानी। सो गाइस हमारे पास एक कपड़ा है, और गाइस अभी ठंडा नहीं होगा, इसे हम पहले आपको भी ले लेना है। अगर आपके पास बोरा ऐसा सूती का कपड़ा है तो इसे ले लेना है, और इससे पहले हम भिंजाते हैं। अगर इसे निचोड़ लेना है, निचोड़ने के बाद गाइस इसे पकड़ना है और इसे इस पे लपेट देना है। गाइस इसके ऊपर आपको लपेट देना है। सो गाइस हमने यहाँ पर लपेट दिया है इसके ऊपर। आपको भी आपके पास बोरा है, अगर सूती का कपड़ा हो तो वो भी आपको अपने हिसाब से कर लेना है। मैंने कह दिया है आपको इसमें कुछ नहीं डालना है। यूट्यूब पे कौन ऐसे गलत मलत बता देते हैं, ऐसे थंबनेल लगा देते हैं, झूठे झूठे चम्मच में या कुछ भी डाल देते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर आपको ऐसा पानी डालना है। इसके ऊपर डालने के बाद गाइस आपको यहाँ पर गाइस आपको ऐसी जगह नहीं रखना है, इसे रखना है खुले जगह जहाँ पर हवा आती होगी। तो हमारे नीचे सीढ़ी के नीचे वहाँ पर हम इसे रख देंगे। यहाँ हमारे पहले से पानी के कप्पा रखे हैं, और फिर आपको बता देते हैं ठंडा कितनी देर में हो रहा है हमारा पानी। तो गाइस मैंने इस कप्पे पर रख दिया है इसे। आपको इसके ऊपर पानी डालते रहना है थोड़ी देर तक, और इसे ढाँक के रख देना है फिर। तो मैंने इसके ऊपर पानी डाल दिया है, और गाइस ये हमारा आध घंटे में अच्छा ठंडी आ जाएगा मटका। 8 घंटे हम बाद देखते हैं इसे, 30 मिनट बाद।
तो गाइस 30 मिनट हो चुके हैं, हम आ चुके हैं यहाँ पर। और गाइस देख सकते हैं यहाँ पर ये पट्टी भी सूख गई है, और जितनी भी इसमें नमी आएगी तो ये हमारा पानी ठंडा हो जाएगा। देख सकते हैं अब हम हाथ इसे हाथ में लेके देखते हैं हमारा पानी ठंडा हुआ कि नहीं, गिलास से निकालते हैं इसे। और गाइस देख मैंने इसमें हाथ डाला, ठंडा हो चुका है, पीबे लाख हो चुका है। जितनी शाम होगी और गाइस सुबह तक तो बहुत ठंडा हो जाएगा, आप पी नहीं पाओगे इतना ठंडा हो जाएगा ये। और देख सकते हैं अभी भी अच्छा ठंडा हो चुका है, और ये नया नया मटका है, जैसे ही थोड़ा पुराना होगा और अच्छा ठंडा हो चुका है जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर उस गर्मियों में और टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में बता देना। और इसे हम ढाक देते हैं और ये हमारा पानी तैयार है। चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।